हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी घूमने जाने पे भी देखते हैं क्या होगा, साइट सीन तो कुछ होगा नहीं वहाँ पे। यहाँ पे डीप वैली है पर आप देख सकते हो फोग ही इतना है कि जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर कितनी गहरी खाई है, वो जैसे आगे कुछ है ही नहीं वैसे ही लग रहा है यहाँ पे। चलिए बोटिंग स्टार्ट हो गई है हमारी, आप लोग देख सकते हो बारिश स्टार्ट हो गई है, इसलिए अभी रेनकोट पहनने की बारी आ गई है। ये सभी ठंड की वजह से रेनकोट पहन पहन के निकल गए हैं। देखिए ये दूसरा और तू तीसरा और मैं तीसरा। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये हमारी होटल थी। हेलो गाइस, कैसे आप सब, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। कल के वीडियो में आपने देखा हम लोग पनवेल से सापुतारा आए थे और काफ़ी देर हो गई थी रात को, इसलिए हम लोग होटल पे आए, चेक इन किया, फिर खाना खाने गए और सो गए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग सापुतारा में होटल में चेकआउट कर लिया है और अभी घूमने जा रहे हैं। सापुतारा में कौन कौन सी घूमने की जगह है वो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाता हूँ। तो चलिए, ये हमारी गाड़ी रेडी हो गई है और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। सभी कौन कौन से पॉइंट है वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर घूमने जाएंगे। आप सामने वेदर देख सकते हो, फोग इतना है कि सामने कुछ दिख नहीं रहा है। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या मिलता है ब्रेकफास्ट में। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी घूमने जाने पे भी देखते हैं क्या होगा, साइट सीन तो कुछ होगा नहीं वहाँ पे। हाजी we'll be right back।
लोग सापुतारा के फर्स्ट पॉइंट सनराइज पॉइंट पे आए हैं, वहाँ आगे है सनराइज पॉइंट। वैसे कुछ देखा गया तो नहीं, पर आपको फिर भी हम लोग ले चलते हैं, क्योंकि वो भी इतना ही है देखने वाला नहीं है। ड्रोन शॉट भी लेने थे, पर इसमें कुछ ड्रोन शॉट आएंगे भी नहीं, इसलिए अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, देखते हैं। हम लोग सनराइज पॉइंट पर आ तो गए हैं, पर कुछ दिख नहीं रहा है, देखते हैं आगे। फॉग ही इतना है कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए। चलिए अभी आगे जाते हैं, देखते हैं कुछ आगे दिखाई दे तो। अभी पॉइंट पर जाने के लिए सीढ़ियां है, ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जाना है आपको। देख सकते हो विंड भी ज़्यादा हो गई है, अभी ऊपर चल रहे हैं तो हम लोग अभी सनराइज पॉइंट पे ऊपर हम लोग पहुंच गए हैं, देखते हैं कुछ दिखाई दे रहा है होगा या नहीं। यहाँ पे डीप वैली है, पर आप देख सकते हो फोग ही इतना है कि जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर कितनी गहरी खाई है, वो जैसे आगे कुछ है ही नहीं वैसे ही लग रहा है यहाँ पे। सनराइज पॉइंट से तो निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ व्यू ही नहीं आ रहा है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं वहाँ कैसा व्यू आता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं हम लोग, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए यहाँ आपको बाइक भी राइड के लिए मिल जाएगी। ये देख सकते हो छोटे बच्चों के साथ आए हो तो बच्चों के लिए राइड्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। ये साइकिल है, वहाँ छोटी बाइक भी है। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट कौन सा है वो आपको मैं आगे बताता हूँ। साइकिल भी चला सकते हो आप यहाँ, कपल में आओ तो भी। कौन है ना? सनराइज व्यू पॉइंट से नीचे उतर रहे थे, पर बीच में आपको नज़ारा मैं दिखाता हूँ, रुको एक मिनट, नज़ारे देखिए आप। ये देखो ये यहाँ से सीधा चढ़ाई चढ़ के आपको सनराइज पॉइंट पे जाना होता है, वहाँ भी चढ़ाई है खड़ी। ये हमारी गाड़ी पार्क की है यहाँ पे और फोटोशूट चल रहा है ये यहाँ। अभी हम लोग दूसरा पॉइंट सापुतारा लेक पर आए हैं, देखिए वहाँ आगे से एंट्री गेट है। ये पूरा लेक है, आप देख सकते हो, बोटिंग भी आप कर सकते हो, देखिए वहाँ
ये बोटिंग के प्राइस है, आप लोग देख सकते हो, वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हो। चलिए बोटिंग करने हम लोग जा रहे हैं, ये टिकट दिखा कर जैकेट ले लेते राइट साइड में। ये जैकेट है, लाइफ जैकेट कंपलसरी है यहाँ पहनने के लिए आपको। हेलो, आप लोग कौन ऊपर हाय कौन? चलिए हम लोग बोटिंग करने जा रहे हैं। बोटिंग में लाइफ जैकेट कंपलसरी है, आप लोग आधे घंटे तक बोटिंग कर सकते हो। चलिए बोटिंग स्टार्ट हो गई है हमारी, आप लोग देख सकते हो। बोटिंग की प्राइस करूँ तो 450 या पैडल बोट की प्राइस है, और रो बोट की 660 है। उसमें आप लोग चार लोग आ सकते हो पैडल बोट में, और रो बोट में 6 लोग आप आ सकते हो। रो बोट में चलाने वाला आदमी आता है, देखिए उधर वहाँ पे है, और पैडल बोट में आपको खुद को ही बोट चलानी होती है। बोटिंग कर रहे थे और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। लोकर भाई बारिश स्टार्ट हो गई है, इसलिए अभी रेनकोट पहनने की बारी आ गई है। देख लिए, आई लव सापुतारा। अभी चलती बारिश में बोटिंग कर रहे हैं ये लोग। देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है। और आपके ब्लॉगर विशाल भाई जो एक कोना पकड़ लिया है ताकि बारिश से ना उनकी पतलून गीली हो ना मोबाइल वगैरह कुछ गीला हो। हो गई है हमारी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बारिश बीच में आई थी इसलिए। देखिए अभी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, फोग ही इतना है। सापुतारा का थर्ड पॉइंट अभी हम लोग आए हैं, नागेश्वर महादेव मंदिर देख सकते हो आप लोग। हमारा तीसरा पॉइंट है नागेश्वर महादेव मंदिर, आप लोग देख सकते हो। शिवलिंग है, बारिश की वजह से यहाँ पूरा साइड में पैक कर दिया है, क्योंकि बारिश की छींटे आती है इसलिए यहाँ पे।
यहाँ भी लिखा है बारिश की वजह से स्लिपरी है यहाँ, इसलिए संभल के जाना। ये नागेश्वर मंदिर का पार्किंग एरिया है। अभी हम लोग गाइस टेबल पॉइंट पे आए हैं। चढ़ाई काफी डीप थी, वैसे आपको कुछ दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि फोग ही इतना है, फिर भी आगे जा रहे हैं हम लोग पार्किंग देखने। सापुतारा का हमारा फोर्थ पॉइंट है टेबल व्यू पॉइंट। अभी हम लोग वहाँ पर आए हैं, आए तो है सही है, पर मैं आपको क्या दिखा, यहाँ कुछ है ही नहीं दिखाने को क्योंकि फोग ही इतना है। आप देख सकते हो ये सभी ठंड की वजह से रेनकोट पहन पहन के निकल गए हैं। देखिए ये दूसरा और तू तीसरा और मैं तीसरा। टेबल पॉइंट के बाद तो हम लोग कहीं पर भी नहीं गए थे क्योंकि फॉग इतना था और रास्ता भी साफ नहीं था, इसलिए हम लोग कहीं पर भी नहीं गए थे। अभी रात हो गई है इसलिए खाना खाने आए हैं, खाना खा के मैं आपसे मिलता हूँ। ये होटल है, खाना खाने आए हैं हम लोग। चलिए गाइस खाना हमारा हो गया है, बारिश भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, इसलिए हम लोग होटल पर जा रहे हैं। होटल पे जाके सो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको सापुतारा की दूसरी घूमने की जगह देखने को मिलेगी। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं।